बात करनी है मैंने तुमसे। ऐसी कौन सी बात करनी है जो घर पे नहीं हो सकती थी? देखो आसमा, मैं चाहता हूँ कि हम मम्मा पापा को मना के घर वापस ले। हाँ ले आओ, मैंने कब एतराज किया? मुझे मालूम है तुम्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह का रवैया तुम्हारा उनके साथ चल रहा है वो ठीक नहीं है। उस दिन भी तुम उनको जाके जो बातें सुना कर आई हो उन्होंने मुझे सब बता दिया, और तुम बताए बगैर चली गई यार, वापस आके भी जिक्र नहीं किया। तुम कम से कम वापस आके तो बता देती मुझे। मैं भूल गई होंगी, और जरूरी तो नहीं है कि हर बात मैं तुमसे आके कहूं। और मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने तुमसे मेरी शिकायतें करना शुरू कर दी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी और मामा के बीच में जो टेंशन चल रही है वो खत्म हो। मेरी माँ है यार, वो उनका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम्हारी भी माँ होती तो मैं उनका भी एहतराम करता। मेरी माँ कहाँ से आ गई बीच में? मैं सिर्फ मिसाल दे रहा था। आई एम सॉरी शावेज, उनका इस किस्सा इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं उनके बारे में कोई जिक्र या बात नहीं सुनूंगी। अच्छा प्लीज आसमा, हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम दोनों उनको मिलकर वापस ले। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका रवैया मेरे साथ सही रहेगा तो मैं भी ठीक रहूंगी। लेकिन उन्होंने अगर ऐसी वैसी कोई बात मुझसे कही तो मुझसे शिकायत मत करना। अरे तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? फिर कहती हो मैं डिस्टर्ब क्यों रहता हूँ? बजाय इसके कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरा सहारा बनो, तुम और मुझे टेंशन दे दो। मैं क्या कर सकती? मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम्हारी इस टेंशन की वजह से हमारे बिजनेस को कितना लॉस हुआ। क्या जरूरत पड़ी थी मीटिंग पोस्टपोन करने की? यार टू हेल्प विद द बिजनेस एंड टू हेल्प विद द मीटिंग। मैं यहां पे परेशान हूं, और पता नहीं किस तरह गुजरेगी जिंदगी। मुझे अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। चलिए सुन आसमान, प्लीज समझने की कोशिश करो। वो मेरे माँ बाप हैं और वो बूढ़े हैं बेचारे और अकेले हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वो अकेले नहीं है शावेज, जरीना और यूसुफ दोनों उनके पास हैं। वालदैन को सिर्फ नौकरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं उनकी अकलौती औलाद, वो मुझे मिस करते हैं और मैं भी उन्हें मिस करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम उनको वापस ले आए। नहीं मानेंगे। मान जाएंगे बॉस, माँ बाप अक्सर नाराज हो जाते हैं और फिर मान भी जाते हैं। अच्छा ठीक है, ले आओ, ये भी करके देख लेते हैं। अब चले आज? हाँ, मेरे ख्याल से मजीद रुकने का तो कोई फायदा नहीं।